नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पूजा। आजकल अग्निवीर योजना की चर्चा हर तरफ हो रही है। कहा जा रहा है कि अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। क्या होंगे ये नए बदलाव, इनका क्या असर होगा और बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, आज आपको हर एक डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि अग्निवीर योजना आखिर है क्या। दरअसल साल 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की गई। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा, बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना से सिविल सोसाइटी के प्रतिभावान युवकों को रोजगार मिलेगा और सेवारत सैनिकों की औसत आयु कम की जा सकेगी। सरकार का ये भी तर्क है कि नई पीढ़ी के आने से हमारी फोर्सेस तकनीकी रूप से समृद्ध होगी और हमारे सुरक्षा बल आधुनिक होंगे। जब ये अग्निवीर 4 साल बाद सेवा खत्म करके सामाजिक जीवन में जाएंगे तो समाज को एक डिसिप्लिन और स्किल्ड यूथ की फौज मिलेगी। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार ने ये योजना साल दर साल बढ़ते डिफेंस पेंशन अमाउंट को कम करने के लिए लॉन्च की। नई परमानेंट भर्तियों के चलते हर साल सरकार पर पेंशन का बोझ बढ़ता जा रहा था, इसलिए अब इस योजना में कुछ बदलाव करने की तैयारी है। जैसे कि पहला, अस्थाई रोजगार। योजना में केवल 25% सैनिकों को ही स्थायी सेवा के लिए चुना जाता है, मतलब इससे बाकी 75% सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इससे उनके जीवन में रोजगार की संभावना सीमित हो जाती है। तो वही दूसरा, करियर में स्थायित्व नहीं। 4 साल की नौकरी के बाद बड़ी संख्या में सैनिकों को नए करियर के नए ऑप्शंस खोजने पड़ेंगे। अग्निवीर के साथ जरूरी नहीं है कि जो हथियार चलाना उसने सीखा है उसे बाहरी दुनिया में भी वही नौकरी मिले। तो वही तीसरा, थोड़ा आर्मी जवान तो थोड़ा बाहरी इंसान। अग्निवीर का कार्यकाल इतना छोटा है कि वह ना तो ठीक से आर्मी जैसा जवान बन पाएगा और ना ही बाहरी दुनिया का एक कामकाजी इंसान। तो वही चौथा, दूसरी नौकरी की गारंटी नहीं है। शिक्षा के आधार पर इन्हें ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा कर्मी की नौकरी मिलेगी। यहाँ उनके साथ किसी भी आम आदमी जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। इस कारण ये अग्निवीर बनने के लिए मेरी ट्रेनिंग का ये मतलब कतई नहीं है कि उन्हें रिटायर होने के बाद भी दूसरी नौकरी इसी ट्रेनिंग के आधार पर मिल जाए। ये पांचवा, सेना के मोटिवेशन और मॉरल पर भी असर पड़ेगा। जब सैनिकों को पता होगा कि उनकी सेवा केवल 4 साल के लिए है और उसके बाद वे बाहर हो सकते हैं, तो यह उनके मोटिवेशन और मॉरल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं वैल्यूज के साथ काम करे जो एक आर्मी का जवान करता है। और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, अग्निवीर अब भैया मैं आपको बता रहा हूं, अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है, सेना बैठी हुई है। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए की कम सीटें आने के पीछे अग्निपथ योजना को भी जोड़ा जा रहा है। खासतौर से युवाओं में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी है। तो वही नई सरकार बनते ही इस योजना में सुधार की कवायद शुरू भी हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों का एक ग्रुप बनाया है। यह ग्रुप जो है वो अग्निपथ स्कीम का रिव्यू करेगा। ये पैनल अग्निपथ स्कीम की कमियों और सुधार के सुझाव भी देगा। रिव्यू होने के बाद सरकार इसमें क्या बदलाव कर सकती है, चलिए इसको जानते हैं। जैसे कि आयु सीमा जो 17.5 से 21 साल है, इसे बढ़ाकर 17.5 से 23 साल किया जा सकता है। तो वही सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीर जवानों की संख्या 25% से बढ़ाकर 70% कर सकती है। नौकरी 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर सकती है। उसी के साथ मुश्त दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की संभावना है। ट्रेनिंग पीरियड को भी 24 सप्ताह से बढ़ाकर 35 सप्ताह से 50 सप्ताह के बीच किया जा सकता है। माना जा रहा है कि सिफारिशों को जांचने के बाद सरकार इन्हें तुरंत लागू कर सकती है। सरकार लोकसभा चुनाव नुकसान के बाद इस योजना में सुधार के लिए गंभीर है। यही कारण है कि जो भी इसमें सुधार के सुझाव आएंगे उन्हें अगले 100 दिनों के भीतर लागू कर सकती है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए P24 न्यूज़।